मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन आप सभी को ब्रिज मोहन योग चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में योग के द्वारा कैसे उसे निराकरण किया जा सकता है मैं बताने वाला हूं। ये आधी आबादी पुरुषों से संबंधित है, जैसे यौन समस्या या पुरुषों में जो बच्चे किशोरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनमें स्वप्न दोष की समस्या आ जाती है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्वप्न दोष की समस्या यदि है तो आपको कोई टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़्यादातर मन से जुड़ा हुआ अभ्यास है, तो आपके मन को सबसे पहले पवित्र करना है। मन में कभी भी किसी माँ बहन को देखें तो अपनी माँ बहन का स्वरूप उसमें देखिए। सोते समय गायत्री मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए सोइए। रात को सोते समय पैर और हाथ को मुंह को धो करके और एक साफ सुथरा धुला हुआ चादर बिछा करके सोइए। और सुबह सुबह उठ करके शौच करना है। और जिनको स्वप्न दोष बार बार हो रहा है उनको 4 बजे हर हाल में जग जाना चाहिए, क्योंकि यह भोर में ही होता है। उनको कब्ज नहीं होनी चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए, उनको गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। मीट मछली अंडा तेल घी मसाला यदि कम कर दें तो और बढ़िया रहेगा उनके लिए। सुबह सुबह एलोवेरा आंवला गिलोय तुलसी का जूस पी लें तो उनको सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये तो हो गया परहेज, उनकी दिनचर्या। अब मैं कुछ यौगिक चीज़ों को बताने जा रहा हूँ कि जिनको करके हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके और 3 बार ओम का उच्चारण करना है। धीरे से अपने आंखों को खोल जाए। ये ओम का उच्चारण 3 बार प्रतीकात्मक रूप से मैंने बताया है। इसको आपको कम से कम 5 मिनट करना है जिनको स्वप्न दोष होती है। दूसरा अभ्यास भ्रामरी में 3 बार करके दिखाता हूँ, इसको भी 5 मिनट करना है। दोनों अंगूठा को कान के इस ढक्कन पे लगा देते हैं और तर्जनी को ललाट के बीच में, तीनों अंगों को मोड़ के आंखों पर, पीठ सीधा, होंठ को बंद करते हैं, नाक से सांस भर के, और जो जबड़ा है, दांत है, दोनों अंदर से अलग रहेंगे, होंठ बंद रहेंगे और इसमें भ्रमर गुंजन करना है, भौरे जैसे आवाज निकालने हैं। 3 बार मैं करके दिखा रहा हूँ। धीरे से हाथ को नीचे करेंगे और अपने आंखों को खोल देंगे। ये आपका दूसरा प्राणायाम हुआ। तीसरा, आपको 3 बंद लगाते हैं। मूल बंद गुदा मार्ग को खींचना है, फिर पेट को अंदर सटकाना है उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद ठुड्डी को लगाना है। ऐसे बैठ जाना है और मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ स्टेप अभी बाकी हैं जो मैं बताऊंगा। क्योंकि बच्चे जो कम से कम 13-14 साल में प्रवेश करते हैं और 20-25 सालों तक बहुत परेशान होते हैं और उनका आने वाला भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो आइए अपने जीवन और जवानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए मेरे साथ जुड़िए और इस अभ्यास को करिए। इसका नाम है वाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे
सांस को छोड़ देंगे। अब उदामार को एनस को मन से खींचना है, जैसे गाय भैंस को शौच करने के बाद अपने उदामार को सिकुड़ते हुए आप देखे होंगे, इस प्रकार अपने एनस को खींची, पहला मन, फिर पेट को अंदर को सटकाना है ऐसे। फिर इसको लगाएंगे, इसमें सावधानी आपको रखना क्या है, इसमें तीन महाबंध लग रहे हैं, इसमें बंध को नीचे से स्टार्ट करते हैं, मूल बंध लगाते हैं, उड़ियान बंध लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं, फिर खोलना होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ लॉक को खोलते हैं, बंध को खोलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है यौन समस्याओं के लिए, स्वप्न दोष के लिए, धातु रोग के लिए, ये अत्यंत ही लाभकारी। आप इसको 3 से 5 बार प्रतिदिन करिएगा और इसके बाद आपको कुछ आसन में बता रहा हूँ जिसको आपको करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको लेट जाना है पीठ के बल, इस प्रकार दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, 3-3 बार करना है, सांस भर के ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, पूरा इसको इतना ऊंचा उठा के रखेंगे ऐसे, इस प्रकार ध्यान इस एरिया पर, फिर भी के रीजन पर रखिएगा, फ्लोर पर रखिएगा, फिर सांस को छोड़ के नीचे कर दीजिए आराम से। 3 बार मैं दिखा रहा हूँ, एक बार इसका दूसरा अभ्यास, एड़ी को सटा लेना है इस प्रकार से, कमर को उठा करके और घुटने को फैलाना है और इसे सटाना है। कमर इसमें उठा हुआ है, दूसरा अभ्यास है। अब अगले अभ्यास में क्या करना है, कमर को उठा दे इस प्रकार, यहाँ हाथ भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, और पैर को इस बराबर रखना है, उठा देते पैर को दिखा देते, इसे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड और बार बार एक चीज आपको कीगल मसल होता है, जैसे इसमें अंदर खींचना होता है, उसको मैं बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हम कोई संतरा है उसको मैं मुट्ठी में लेकर जोर से दबा रहा हूँ तो वो इंटरनली प्रेशर पड़ता है उस पर, उसी प्रकार यहाँ पेल्विक फ्लोर पर, पेल्विक रीजन पर आपके कीगल मसल को अंदर खींचना है, जिससे गुदा मार और पेशाब का मार दोनों अंदर की ओर सिकुड़ जाएंगे। इंटरनली आपको इसको करना है, ऐसे हर अभ्यासों में अंदर से एनस को खींचिए भीतर की ओर और पेशाब मूत्र मार्ग को खींचिए, मूत्र नली को, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, फिर दूसरे पैर से भी कर लेंगे। एक बार और करके दिखा रहा हूं, फिर अगले अभ्यास में आपको कमर को उठाना है, हाथ यहाँ रखना है और कीगल मसल को खींचिए मन से, एक बार और, अब पेट के बल अभ्यास करने वाले मैं दिखाता हूँ आपको, बाएं करोड़ों पर बैठ जाते हैं और
इसमें दो अभ्यास देखेंगे आप इस प्रकार से। ये भुजंगासन का स्टेप है, इसमें मैं तीन तीन बार करके दिखा रहा हूँ। सांस को भरेंगे, नाभि को जमीन में रखेंगे, इसमें भी कीगल मसल को खींचना है, गुदा मार्ग और मूत्र नली को अंदर को खींच के रखिए, बंद करके रखिए, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे कीगल मसल को ढीला करते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर, एक बार और, इसका दूसरा स्टेप, हथेली को साइड में रखेंगे, इसमें भी कीगल मसल को खींच कर रखना है और होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकंड, पीछे दोनों एड़ियों को सटा दें, थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे हल्का, फिर बाएं करवट होकर के बैठ जाएंगे। और तो मैं आपको कुछ चीज़ों को बाप के सामने प्रस्तुत कर रहा था, ये बहुत बड़ी समस्या है और बच्चे जो नौजवान होते हैं वो संकोच के कारण और एक तरह से लज्जा के कारण वो अपने माँ बाप से भी नहीं कह पाते हैं और यौन समस्याओं को, क्योंकि ये हार्मोनल जो चेंजेज आते हैं बड़े होने पर, किशोरावस्था में प्राप्त होने पर, वो बच्चे अधूरी गलत जानकारियाँ इधर उधर से प्राप्त करके और वो गलत दिशा की तरफ भटक जाते हैं, अपने गलत मार्ग को अपना लेते हैं और आने वाला जो उनका भविष्य होता है वो एक तरह से लाइफ स्टाइल उनका डैमेज हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं और बड़े होने पर वो बांझपन के, नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं और उनको तमाम प्रकार के जो यौन जो समस्या है, सेक्सुअल जो डिजॉर्डर कहते हैं जिसको, वो शुरू हो जाते हैं और बाद में फिर वही होता है, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते उन नौजवानों के लिए आज ये वीडियो है जो 12 साल से जिनकी उम्र शुरू हो चुकी है और कम से कम 30 बरस तक है और उनके लिए अमृत के समान है। आप मेरे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और दूसरों मित्रों को भी दिखाइए और आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करेंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।